थोड़ा सा इधर देखिए, तभी लोगों को मालूम चलेगा कि हाँ मंगरू भैया भी यहाँ पे पहुँचे हैं। हम लोग जो खोवा कारोबारी हैं, जो बाबा हैं गिरी बाबा, उनके द्वार पे पहुँचे हैं। यहाँ पे 3 भैंसें आई हैं बिकने के लिए। अब बहुत कम ही ऐसे लोग बचे हुए हैं जो अपने यहाँ अच्छी मवेशी को रखते हैं, लेकिन जब भी हम गाजीपुर ज़िला में इन खोवा वाला बाबा के पास आते हैं तो हमें अच्छी से अच्छी मवेशी देखने को मिलती हैं। आप लोग को मालूम ही होगा इनका शुभ नाम संजय गिरी है। बाबा प्रणाम। जी हाँ जी, ठीक है ना? ठीक है ठीक है, सब बिल्कुल बढ़िया है। बराबर ही अपने यहाँ अच्छे से अच्छे मवेशी रखते हैं, क्रय विक्रय भी करते हैं। और इनके यहाँ देख लीजिए आप लोग, भैंस बिक्री के लिए है। तुम्हें पगहा फेंक दीजिए, अब भैंस को सहलाइए, हिलेगी नहीं जी। ये बाबा का ब्रांड है, बाबा का ब्रांड है, ऐसा बताया जाता है। इस जगह पे गिनती की 3 भैंसे हैं। सबसे पहले इस भैंस को आपको दिखाया जा रहा है। जो भी भैंसे हैं यहाँ पे सब की सब अन्य जगह की भैंसे हैं, अन्य यहाँ की भैंस। मैं पहले बता दूंगा, छोटा ही नहीं नहीं मैं आप लोग समझ लीजिए कि हरियाणा की ही भैंसे हैं। इसमें थोड़ा भी लोग शंका संदेह न कीजिए। जी जी है, है। काफी अच्छी ये भैंस है। और ये गाभिन है ना बाबा? हाँ गाभिन। अभी कितना समय ले जाएगी? 10 से 12 दिन में बिपिन का बच्चा दे दीजिए। 10 से 12 रोज का समय बता रहे हैं बाबा। 31 तारीख, 1-2-3 तारीख तक बच्चा दे दीजिए। 2-4-5 रोज इधर उधर हो सकता है। तो बाबा ये कौन से बयान में हो जाएगा? ये दूसरे बयान में भी है। और इसका दूध की क्षमता भी बताइए कि ये दूध बिपिन का 20+ है भाई। बाबा का कहना है कि ये दूध 20+ देगी। जी जी बिंदिया है, है, है। काफी ऊंची कद की भैंस है, हट्टी कट्टी भैंस है। और देखिए महीन और बारीक चमड़ी में है। आप लोग ये ना सोचिएगा, बिल्कुल प्योर मुर्रा भैंस है। जो इसका अडर है काफी बड़ा साइज में उभरता हुआ आप लोग को नजर आ रहा होगा। आने वाले समय में ये बड़े अडर की भैंस दिखेगी। अभी तो हम पहले डोल नहीं पाएगी जब स्थान बनाएगी। तो आपको तो मालूम ही होगा कि भैंस जब ब्याने वाली होती है तो धीरे धीरे अडर विकसित होता है। थोड़ा आगे बढ़ाइए तो होगा। हाँ नए नक्श भी सही है, 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 है। तो बाबा ये बिक्री के लिए है जी बिल्कुल। दाम हम बोलेंगे या फिर दाम ऐसे मोबाइल पे क्या बोलिए बिल्कुल, जिसको चाहिए मौके पर आप आके देख लीजिए या तो फोन से संपर्क कर लीजिए। बाबा का कहना है कि मौके पे दाम बोलने से विपिन भैया बहुत कमेंट आता है जी। और जो कमेंट करने वाले हैं इसका जोड़ लगा के दिखाएं। अच्छा जी, इसका जोड़ लगा के विपिन दिखाएं इसका। हाँ बाबा का कहना कमेंट है करने कि से नहीं होता विपिन भैया, हम ओपन नहीं करेंगे। जो इच्छुक लोग होंगे वो लोग अगर संपर्क करेंगे इनसे तभी ये दाम बताएंगे जी। कहना है बाबा का काफी क्षेत्र में नाम रहा है अच्छी भैंस रखने और बेचने का दोनों। गाभिन है, अभी 10 रोज से ऊपर ही समय ले जाएगी बच्चा देने में। ये बिक्री के लिए है। अगर किसी भी व्यक्ति को ये भैंस पसंद में आई होगी तो व्यक्ति सीधा इनसे संपर्क करें। इनके यहाँ और भी भैंस है जी, भी उनमें देखे निकाल दे रहे हैं इसको। ये भी भैंस बहुत ही खास है, ये ब्याई हुई है। बच्चा इसके पास है, है। बच्चा कहाँ गया? इसका पाड़ा है बिपिन, वो देखिए अपने बच्चे के पास जा रही, स्वयं देखिए ना अपने बच्चे के पास स्वयं जा रही है। बच्चा अभी हाल ही का है, कितना दिन हो गया बच्चा? 5 दिन हो गया बिपिन। 5 दिन? जी जी, 5 दिन का बच्चा यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं। पाड़ा है ना? पाड़ा है बिपिन भैया, पाड़ा है अभी ना, अभी देखिए 5 दिन का। बाकी भैंस को आप लोग देख ही रहे हैं, काफी अच्छी भैंस है। अभी ब्यान कौन सा होगा? दूसरे ब्यान है बिपिन, दूसरे में है। सारी भैंस दूसरे ब्यान में बिपिन। और दूध क्षमता कितना होगा इसका दूध? इसका दूध तो बिपिन 16-17 किलो दुहा है, लेकिन इस समय 5 दिन की भैंस ब्याह 10 किलो दूध तैयार है मौके पे अभी। अच्छा जी, हाँ 5 दिन पे दूध बाबा बता रहे हैं कि 10 लीटर 10 किलो दूध तैयार बिपिन। और इनका कहना है कि जब ने ये भी कई दिन बाद दोनों 16-17 10 किलो बिपिन, 5 लीटर टाइम का अभी समय। जब पूरे दूध पे आएगी तो 17-18 किलो दूध देगी भैया। 17-18 हवा
काफी अच्छी भैंस है ये भी। हाँ बच्चा आप लोग देखे ही होंगे, 5 रोज का बच्चा पाड़ा, ये दूसरी बियात में है और ऐसा बताया जा रहा है कि इसका दूध 16-17 लीटर जी विभिन्न भैया, इससे कम नहीं। एक हमारे पास है विभिन्न भैया भैंस है, तीसरी भैंस, तीसरी भैंस वाली है, इसको भी दिखाइए। दिखा देना विभिन्न भैया। हाँ इसके पास बच्चा क्या है? पाड़ा है विभिन्न भैया, ये भी ब्याई है, देखिए अपने बच्चे। ये 12 दिन की विभिन्न ब्याई है, इसमें 6 किलो दूध टाइम का, 12 लीटर अभी जी मौके पे। 12 दिन का बच्चा है इसके पास, पाड़ा है, और इनका कहना है कि 6 लीटर जी 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 टाइम का दूध जी मौके पे है। हाँ मौके पे भी। अच्छा जी, ये दूध पे आएगी तो कितना हो जाएगा दूध इसका? 1-1 लीटर और बढ़ा देगी, 14 कर देगी विभिन्न भैया। 1-1 लीटर इनका कहना है कि 13-14 लीटर दूध वाली है। जी 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 विभिन्न भैया, ये भी बिक्री के लिए है? ये भी बिक्री के लिए विभिन्न भैया। तो बाबा दाम नहीं बता रहे हैं तो लोग बहुत से बोलेंगे कि भाई, जैसा कहने के बाद विभिन्न भैया दाम तो इसका मांग रहे हैं 1,35,000 इसका, उसका बोले 2,20। अच्छा जी, अब बड़ी वाली के मौके पे कोई आके दाम कर सकता है जी, वो दूसरी दूसरी वाली जो है नहीं, 2,20,000 रुपया। अच्छा जी, ये जो भैया इस वाली भैंस का बोल रहे हैं कि 2,20 जी, इसका इसका 1,35 है विभिन्न भैया, इसका 1,35 जी। हवा वो जो पहले आप लोग भैंस देखे हैं वो गाभिन भैंस है जी, और उसको सब व्यक्ति नहीं ले पाएंगे, जो शौकिया लोग होंगे वही लोग भैंस को ले पाएंगे, हर व्यक्ति के पास क्षमता नहीं है कि वो भैंस को खरीद पाएगा, क्योंकि उसमें काफी बहुत 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 पावर है विभिन्न भैंस में, वो 20 लीटर दूध देने वाली भैंस है और ये रिकॉर्डेड भैंस है, इसको आप लोग आम भैंस ना समझिएगा जी विभिन्न भैया, बहुत ही शौकिया व्यक्ति के पास से ये भैंस आई थी। ये दूसरी वाली भैंस को भी आप लोग देख लिए होंगे विपिन भैया, बाबा का कहना है कि 2,20 कहने को कोई पता भी कर सकते हैं लोग, आजमगढ़ अनिल सिंह के पास से मैं भैंस लाया हूँ उसको, कोई भी जाके पता कर सकता है कि कितने में बिकी है, क्या हुआ, क्या सिस्टम उसका, सारा डिटेल लेना चाहते हैं वो है मालिक उसके, उसके बाद हम लिए हैं। बिल्कुल सही बात है, बाबा की जो खरीदी होती है काफी अच्छी भैंसों की होती है, दूरी की विभिन्न बात नहीं है, 200, 250, 400, 300 किलोमीटर रहेगी फिर भी मैं विजिट कर लूंगा वहाँ पे, और अच्छी भैंस अगर मतलब मिल जाए, मतलब मैं उसको लेने की चेष्टा करता हूँ भरसक जी, अगर मिल जाती है तो ले लेता हूँ विभिन्न भैया। बहुत बढ़िया, एक बार और कष्ट कीजिए उस भैंस को दिखाने का, क्योंकि भैंस काफी आवारानी है, इस तरह की भैंसों का बहुत मुश्किल होता है, चुनिंदे लोग ही इस तरह की भैंसों को रख पाते हैं। आवारानी हवा जो बड़ी इसका अनिल जी नाम रखे थे रानी। अच्छा बोले माँ बाप रानी का बुलाओगे तुरंत खड़ी हो जाएगी बैठ जाएगी। हाँ काफी अच्छी भैंस है, इस तरह की भैंस जिला दरबार में शायद कहीं कहीं पे साइज देख रहे हैं, मैं साइज देखी बहुत बढ़िया अच्छी साइज की भैंस है, अगर इसी तरह की भैंस हरियाणा जैसे राज्य में रहेगी तो 5 लाख 6 लाख से इधर कोई बात ही नहीं करेगा। अरे विपिन का रेट ही नहीं कोई, पहली बात तो बेचेंगे नहीं वो सब बेचेंगे बेचेंगे अच्छी भैंस बेचते नहीं है। हाँ तो बाबा इसका रेट आप नहीं ओपन कर रहे हैं? नहीं भी पिंडिया इसका रेट नहीं, जो लोग आपसे कॉल करेंगे। हाँ है, 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 है। बाबा एक बार नाम पता बताइए। नाम संजय गिरी, ग्राम पोर जेवल, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, थाना रामपुर माझा, सैदपुर और चोचकपुर के बीच में मेरा गांव पड़ता है, ग्राम जेवल है बाजार में, आप किसी से पूछिए कोई बता देंगे व्यक्ति। बाबा का गांव का नाम जेवल है, जिला गाजीपुर लगता है और उत्तर प्रदेश राज्य है ना जी भैया। मोबाइल नंबर बोल दीजिए। 8935 08-04-30-12 जी भैया, डबल बोल दे रहा हूँ, 8935-08-30-12 जी। बाबा का ये मोबाइल नंबर है विपिन भैया, संपर्क। ये सब लंबी दूध देने वाली भैंस है, ये सब देसी नहीं है कि 2 महीने में स्विच ऑफ हो जाएंगी, 2.5 महीने में स्विच ऑफ हो जाएंगी, एक कम से कम में 7-8 महीने लगती है विपिन भैया एकदम। अच्छा 7 महीना तो कंटिन्यू दूध देती है सब। जिन लोगों को इन भैंसों की लत लग जाती है वो लोग इस तरह की भैंस खोज कर रखते हैं, ऐसा बताते हैं कि ये सब भैंसें जो है लंबी समय तक दूध देती हैं और कंटिन्यू दूध देती हैं जी विपिन भैया एक समान, इसी वजह से बहुत से जो लोग हैं वो लोग इस तरह की भैंस को रखना पसंद करते हैं। अपने अपने जगह पे ये सब की सब भैंस है ठीक है।
आप लोग संपर्क करिएगा और आप लोग तुलना ये ना कीजिएगा कि मेला मंडी में भैंसें सस्ती मिल जा रही है, यहाँ पे महंगी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं मेला मंडी कोई तुलना नहीं, कहीं ना कहीं मेला मंडी की जो भैंसें होती हैं उनको कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या उसमें कोई पय है या फिर क्या गड़बड़ी है कि वो भैंस बिकने के लिए आई हैं। लेकिन जो घर दरवाज़ा होता है कहीं ना कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, बहुत से लोग जो है शौखिया तौर पे बेचना चाहते हैं। देखिए भैया, ये मंगरू भैया आए हैं भैंस के लेने के लिए। मंगरू भैया कष्ट कीजिए, इधर आइए। ये आए हैं, बोले बाबा एक हमको दे दीजिए, अगर इनका तालमेल बैठ जा रहा है। मंगरू भैया के यहाँ हम जा कर के वीडियो भी जारी किए हैं ना मंगरू भैया, गाजीपुर में किस जगह से आए हैं? खिदराबाद से। मंगरू भैया एक बात बताइए, मेला मंडी की वीडियो हम बनाते हैं और बहुत सारी भैंसों को आप देखते हैं हमारे द्वारा, तो क्या आप वहाँ पे क्यों नहीं गए, यहाँ पे क्यों आए हैं? ये सब भैंस बहना नहीं मिले तो। मंगरू भैया का कहना है कि ये सब जो भैंस है मेला में मिलवे नहीं करेंगे तो। मेला में नहीं मिलेंगे, अच्छी भैंस भी मिलवे नहीं। उनका विश्वास ये है कि किसान के घर से अच्छी भैंस मिल जाती है और जाति की भैंस मिलती है, वही मेला में क्या भैंस मिलेगी इसका कोई ठीक नहीं रहता है। वो मेरे भैया है, बड़े भैया महेंद्र गिरी। महेंद्र गिरी जी हैं यहाँ पे मौजूद, एक और रिश्तेदार हैं और इनको तो आप लोग देखे ही होंगे। आइए आइए, आप आएंगे, एक सामाजिक वीडियो है चाचा, हम बहुत मेहनत करते हैं इस समाज में, है ना। ये एक ऐसी धन है कि हर व्यक्ति, वैसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ अच्छी से अच्छी क्या हो, मवेशी हो, भैंस हो, भैंस हो जाए, तो भैंस आप खरीदने आए थे। ये भैया और ये जो मंगरू भैया हैं कहीं ना कहीं अपना विचार बना रहे हैं, अगर कोई भी भैंस पसंद आएगी बाबा से तालमेल बैठेगा। पसंद तीनों भैंसे हैं तो रेट का लेके डिफरेंस है भैया, तो तीनों पसंद ही नहीं होगा। आप से प्रार्थना करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं विपिन भैया। हाँ, जो क्वालिटी बताता हूँ मैं, हर भैंस जब बेचता हूँ जो क्वालिटी लाता हूँ, भैंस एक भी नहीं ऐसा नहीं पसंद नहीं बाबा। हम प्रार्थना करेंगे कि अगर आपको उचित लगे तो आप दे दीजिए। ठीक है भैया, ठीक है ना, दे देंगे अगर इनका मतलब। जब हम यहाँ पे आए थे तो इन भैया की एक बात हम सुने, थोड़ी सी हम भी थोड़े से हमको भी लगा कि हाँ कुछ अजीब बात। भैया का कहना है कि सब व्यक्ति ज्यादा दाम दे के भैंस नहीं खरीद पाएगा, कलेजा हिल जाएगा। विपिन भैया दाम देकर खरीद के लाते हैं हम लोग, ये नहीं कि गंगा जी का पानी नहीं गए आप उसमें से बोरे और लेकर चले आए, करेजा चाहिए खरीदने के लिए, समझ रहे हैं ना। सही बात, सही बात करें भैया, सब रखेगा भैया करेजा, आपका दाम बंद करें विपिन भैया से, करेजा बाबा जी। देखिए भैया, आज के समय में अगर आप अपने यहाँ अच्छी भैंस रखेंगे तभी ये काम चलेगा, क्या मंगरू भैया आप ही बताइए। अगर देसी भैंस रख रहे हैं हम विपिन भैया, 2.5 लीटर 3 लीटर दूध देने वाली भैंस है, मैं सेल के लिए बहुत लाता भी नहीं, शौक से नहीं, मैं शौक से लाता हूँ, अगर बिक जाए तो ठीक है, नहीं बिकी तो मेरा खुद काम है दूध का। आप लोग ये ना सोचिएगा कि बाबा की ये सब भैंस है, ये अपने बल पे लाए हैं जी विपिन भैया, अगर इनको कुछ मिल जाता है तो दे देंगे, नहीं तो भैंस रह जाएंगे। लेकिन ये भी जानिए, अगर मेरे पास एक भैंस रह गए भैंस तो सीधे 1 लाख डबल करेंगे। बाबा का वहाँ पे खोआ भुना जाता है सुबह सुबह, इसमें जो कढ़ाई उड़ाई देख, ये अगले बार आए थे दिखाए थे ना, इसमें तोड़वा के आपसे बोले नहीं थे बनवाएंगे? हाल ही में ये सब बाबा बनवाए हैं अपने यहाँ मवेशियों को रखने के लिए, देखिए कितना व्यवस्थित कमरा बनवाए हैं, इसमें सबके सब ये सब मवेशियाँ रहेंगे। बाबा अच्छे विचार के व्यक्ति हैं, आप लोग इनसे जुड़ेंगे तो अच्छे ही भाव में भैंस दे देंगे, अच्छी भैंस दे देंगे। ये भी इनका भी कहीं ना कहीं बहुत पहुंच पकड़ है, चाहे बनारस हो या आजमगढ़ हो या फिर कोई भी एरिया हो, हम इनके माध्यम से बहुत से जगहों पे गए हैं और बहुत अच्छी अच्छी मवेशी देखे हैं और इनके द्वारा फील्ड में जब हम उतरे हैं तो ये ज़रूर देखे हैं कि कहाँ पे किस तरह के लोग क्या मवेशी रख रहे हैं, किस तरह के रख रहे हैं। हम तो यही देख रहे हैं कि बाहरी मवेशी की मांग हम लोग की तरफ बहुत ज़्यादा है। मंगरू भैया, जो दूध का कारोबारी व्यक्ति है जिसको दूध बेचना है तो उसको चाहिए ज़्यादा दूध देने वाली भैंस, तो मिलेगी कहाँ? सीधा उधर से लेके आते हैं, हरियाणा से लेके आते हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो पणियाँ पाल लेते हैं यहाँ पे हरियाणा के ले आके भैंस बनाते हैं और इसके बाद अपना रखते हैं या तो फिर बिक्री करते हैं। अब हम लोग के भी क्षेत्र में अच्छी अच्छी भैंसें मिलने लगी है, पहले नहीं मिलती थी। जैसे मान लीजिए मंगरू भैया लेके आए हैं, मंगरू भैया लेके आए हैं हरियाणा की भैंस,
और इनके मन में आ गया कि भैया हम बेचेंगे, तो कोई शौकिया होगा तो वो ले लेगा, उनके यहाँ से भी तीसरे व्यक्ति के पास चली जाएगी। हाँ हाँ, तो इस तरह से चल रहा है। अब हम लोग के भी समाज क्षेत्र में अच्छे से अच्छे जैसे मिलने लगी है। कहाँ मिलते हैं? ठीक है ना बाबा? ठीक ठीक। तो बाबा के यहाँ इस वीडियो को हम यहीं पे स्थगित कर रहे हैं, ठीक है ना? ठीक। हमारा प्रयास सामाजिक हित के भलाई के लिए है, एक सामाजिक वीडियो है, ऐसे नहीं कि बस हम ऐसे आए और उसको क्या बोला जाएगा मंगरू भैया नर्तकी का स्टेज शो दिखाएं और चले गए। नहीं नहीं, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है इस धन को दिखाने के लिए, है ना? आप बहुत प्रयास करते हैं और बहुत लगन से करते हैं विपिन भैया जी, और बहुत सारे यूट्यूबर हैं जी, लेकिन आप में और उनके बारे में बहुत अंतर है। आप हर नस्ल की पहचान जानते हैं, गाय की जानते हैं, भैंस की जानते हैं, कैसी कौन है जी, सारी जानकारी आपके पास है विपिन बाबा। अपना मूल प्रयास रहता है कि किसी भी व्यक्ति विशेष तक अगर हमारी वीडियो जी, जाए जी, तो उसमें इतनी स्पष्टता हो जी कि दिमाग पे दर्द और आंखों में चुभन ना हो जी, जी। हमारी वीडियो की खासियत होती जी, है जी, जी। कि आंखों में आपको जर्क नहीं लगेगा, दिल पे झटका नहीं लगेगा और ना दिमाग पे झटका लगेगा। बहुत सिंपल वीडियो, ये मेरी तकनीकी है जी। कि आप लोगों तक अगर हम पहुंचाते हैं तो इसमें हमारी बहुत मेहनत रहती है, बहुत मेहनत ज्यादा मेहनत रहती है। 16 महीना 17 महीना देखिए, मंगरू भैया हरियाणा वाली भैंसों को रख चुके हैं और इनका कहना है, पंजाब के दोनों रखे हैं। मंगरू भैया का कहना है कि जो बाहरी भैंसें हैं, जो नस्ल वाली भैंस है मुर्रा में, वो सब थोड़ा लंबे समय तक दूध देती हैं। कितना महीना मंगरू भैया? वो सब नहीं, दंगाएगी, दंगाइले के बाद 7 महीना लगेंगे सब, और दूध वो सब 5-6 किलो लेके बिस्कुटी हैं सब। अच्छा जी, 7-8 महीना तक दूध देती हैं, 10-12 महीने उसको। मंगरू भैया देखिए, अभी हमारा जो क्षेत्र है गाजीपुर खासकर, तो देखिए इसमें भी कम शौकिया लोग हैं, बहुत पीछे है। हाँ, बहुत पीछे हैं ना। बिल्कुल सही बात बोले। देखिए मंगरू भैया, आपको इसी बात से अंदाजा लग जाएगा हमारा अपना समाज कि देखिए जो हरियाणा राज्य है ये पशु के मामले में बहुत आगे है, और हमारे यूपी और बिहार पिछड़ा हुआ है। जी, भैंस गोरू में आगे है राजस्थान। हाँ, राजस्थान बहुत आगे है। इनका साला कुदरत के गोलो मंगरू भैया, ये भैया दूध दूध बेचते हैं क्या? हाँ हाँ, बेचते हैं भाई। इनके बढ़िया भैंस ना आ रहे तो दूध मिला नहीं हो गया, लेना 3 किलो वाले दूध वाले तो क्या करें। अभी के कम से कम बढ़िया गोरु ना रखा है, दूध ना दूध तो इनके पड़ता ना खाई। मंगरू भैया के साथ जो ये व्यक्ति आए हैं जिनका नाम स्वारस यादव है, वही इस भैंस के लिए बाबा से बातें चला रहे हैं। अगर तालमेल बैठेगा तो इस भैंस को ये व्यक्ति खरीद ले जाएंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को इनमें से कोई भी भैंस दूध उध देख के लेना होगा तो लोग आकर के मौके पे दूध वगैरह निकाल के तसल्ली करके ले जा सकते हैं। ये भैंस भी आई है और ये भैंस, दो भैंस, बाकी वो अभी ग्यारहवीं है। भैया दुहाई उहाई में कैसी है? दुहाई में अच्छी है, ठीक है। भैया तसल्ली कर रहे हैं दूध निकाल करके। यहाँ पे दूध दिखाने का कोई तात्पर्य नहीं है, हम दूध नहीं दिखाना चाह रहे हैं, हम बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि भैया तसल्ली कर रहे हैं दूध निकाल करके। अगर इनको समझ में आएगा तो इसकी ये खरीदी कर लेंगे। मंगरू भैया, हाथ से ऐसे तोल के बताइए कितना हो जाएगा? 4.5 से कम होगा? 4.5 से कम ना। मंगरू भैया पुष्टि कर दिए
कितना होगा सही बोलिए, साढ़े चार किलो से दूध कम ना होगा, साढ़े चार किलो बता रहे हैं। बच्चा पाँच ही दिन का है, दस किलो दूध मंगरू का बतौले नहीं ना है बाबा, बाबा बच्चा कितने दिन का होगा? पाँच दिन का है विपिन भैया, नार देख रही सामने दिख रहा नार उसका है ना, जो चिन्हने वाले हैं तो भैंस चिन जाएंगे।